सपोर्ट करी श्री रामदास अठावले जी। श्री रामदास अठावले अंतिम वक्ता आप, इसके बाद माननीय मंत्री जी बोले। महोदय, जो ये बिल है, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। प्लीज प्लीज कृपया शांति रखें। ये अमित भाई ने लाया हुआ है जो बिल है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। माइक पर बोले आवाज। अभी माइक कृपया कृपया शांति रखें। हाँ, तो अमित भाई ने जो ये बिल लाया है, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी आतंकवाद से लड़ा हूँ। मेरे ऊपर दो बार मेरे ऊपर हमले हुए थे और उस हमले का जवाब देने का काम भी मैंने किया था। हमारी दलित पैंथर की मूवमेंट थी, दलितों की सुरक्षा करने के लिए हम काम करते थे, तब मेरे ऊपर भी हमले हुए थे। मुझे ढेर सिक्योरिटी है। अभी केजरीवाल जी को अगर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो हमने देने के लिए तैयार है। मतलब आप चेयर को एड्रेस करें, कम नहीं है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कितनी भी आने दो आतंकवादियों की आंधी, कितनी भी आने दो आतंकवादियों की आंधी, लेकिन मोदी राज में सुरक्षित रहेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एसपी जी इसलिए हटाई है, एसपी जी इसलिए हटाई है क्योंकि उनकी धोखे की समस्या मिटाई है। मतलब अभी इतना धोखा उनको तो नहीं है। सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी की चिंता कांग्रेस से ज़्यादा हमको है, और हम लोग उनको पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये जो कानून बन रहा है, इसमें प्रधानमंत्री के फैमिली के लोगों को कितने साल सुरक्षा देनी है, तो मतलब इसीलिए मतलब झेड़ प्लस जो समस्या है, एक झेड़ प्लस सुरक्षा दे दी है, और इसीलिए मतलब हमारे सरकार के माध्यम से हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, मैं सामाजिक न्याय मंत्री हूँ, राज्य मंत्री हूँ, तो तुमको सामाजिक न्याय देने के लिए मैं तो तैयार हूँ, और सुरक्षा देने के लिए अमित भाई तैयार है, और बाकी सब कुछ देने के लिए मोदी जी तैयार है। तो इसीलिए मतलब यह डरने की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी जी की चिंता हमें ज़्यादा है, और उनकी पूरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। एसपी जी हटाई है, लेकिन उनकी समस्या में मिटाई है। तो इसीलिए मतलब यहाँ कोई आपके ऊपर अन्याय करने की बात नहीं है, और इसी तरह मतलब जिनको जिनको तो सुरक्षा चाहिए उनको सुरक्षा देने के लिए पुलिस वाले है ही, अमित भाई उसके लिए सुरक्षा देने के लिए तैयारी है। जिनको जरूरी नहीं उनकी निकाली जाएगी, जिनको चाहिए उनको दी जाएगी। और आनंद जी, माननीय अठावले जी कंक्लूड करिए, तो आपको भी देने के लिए हम तैयार है, क्योंकि आप ज़्यादा बोलते हैं, आप मतलब हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बिल का मैं तो समर्थन करता हूँ, और ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये गांधी फैमिली पर अन्याय करने वाला बिल नहीं है, उनकी चिंता हमें जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत।